हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम गए थे 3 डेज वेकेशन के लिए गोवा। गोवा में हम क्लब महेंद्रा अकाशिया पाम्स रिसॉर्ट में रुके थे। वहाँ हमने हमारा वेकेशन कैसे एंजॉय किया वो आप वीडियो में आगे देखिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। रिसॉर्ट से बीच बहुत ही नज़दीक था तो हम बीच के लिए निकल पड़े। शाम के समय में बीच पे बहुत ही भीड़ थी तो हम वापस रिसॉर्ट पे आ गए। हमने क्लब महेंद्र के एचयू यूनिट 2 बुक किए थे। वैसे तो हमारा 1 BR है लेकिन यहाँ पे सब एचयू ही है। एचयू मीन्स होटल यूनिट। क्लब महिंद्रा के सभी रिसॉर्ट बहुत ही सुंदर और क्लीन एंड नीट होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्लब महिंद्रा के सभी रिसॉर्ट में फन जोन होता है। वहाँ इंडोर और आउटडोर गेम खेलने मिलते हैं तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। दूसरे दिन सुबह उठ के हम ब्रेकफास्ट करने गए। ब्रेकफास्ट में नॉन वेज और वेज दोनों तरह के ब्रेकफास्ट बनाए गए थे। यहाँ पे नॉनवेज रखा है, आगे भी नॉनवेज है। यहाँ लिखा है नॉन वेजिटेरियन। यहाँ नॉनवेज है, यहाँ बॉइल्ड एग्स है। जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। यहाँ आगे सब वेजिटेरियन है। यहाँ कॉफ़ी है, फ्रूट फ्रेश फ्रूट है। सब जो जो पसंद है वो लेके वहाँ टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ फ्रूट्स है, सब फ्रूट सलाड है। यहाँ सब वेजिटेरियन हॉट डिशेस है, मीन्स गर्मा गर्म सब रखा है। पूरी भाजी रहती है, पराठा रहता है, वेज बॉइल्ड वेज, इडली, डोसा चाहिए तो ऑर्डर करके वो तुरंत बना के देते हैं। सब फ्रेश और गर्मा गर्म होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है।
यहाँ आगे बेकरी प्रोडक्ट है, ये तो स्टाफ भी बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो, ये सब बेकरी प्रोडक्ट है। यहाँ टोस्ट बना के ले सकते हैं, जाम लगा के, डोनट है, ब्रेड और केक्स, जाम, यहाँ कॉफ़ी है। यहाँ से लेके यहाँ बैठकर सब मज़े से खाते हैं। हम ब्रेकफास्ट करके सीधे बीच पे गए। मॉर्निंग में बीच पे बहुत ही भीड़ कम रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पानी में जाके लहरों में खेलने में बहुत मज़ा आता है। हम सब पानी में मज़ा करके बाद में बाहर आके सैंड में बैठ गए। आजू बाजू में सब लोग अपने अपने मोबाइल लेके फोटोज़ निकाल रहे थे, कोई कोई सेल्फी निकाल रहे थे। थोड़ी देर बैठ के हम तुझे बहुत पानी वापस आ पानी लगा में बोल। चले गए। पानी में रह के मेरे मोबाइल का कैमरा बाहर की तरफ मोड़ लिया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। चप्पल चप्पल पर इतने में देना। जोर की एक लहर आ गई और हमारी चप्पल पानी में बह गई। बीच से हम सीधा रूम पे गए। रूम पे आराम करके शाम को हम वापस खाना खाने चले गए। यहाँ पे खाना खाते समय बाहर से सिंगर भी बुलाए गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग सीधे रूम पे सोने गए। सुबह उठ के हम फन जोन चले गए। फन जोन में तरह तरह के गेम खेलने होते हैं। हम थोड़ी देर वहाँ रुके और वहाँ से पीछे की तरफ बहुत ही अच्छा ग्रीनरी था, वहाँ चले गए और पूरा रिसॉर्ट का नज़ारा देख लिया। पाउस है।
इंडिपेंडेंट डे के दिन में सब ब्रेकफास्ट फ्लैग के कलर जैसा बनाया गया था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब अरेंज किया था, बहुत ही अच्छा लगा। 15 अगस्त में इवनिंग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, डांस थे, सिंगिंग था और खाना भी था। तो आप इस वीडियो में जरूर देखें। वीडियो आगे एंड तक जरूर देखना।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और मेरे वीडियो पे अब तक नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ बेल बटन दबाना मत भूलिए। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Mm-hmm.